देख सकते हो मेरा दो दो अकाउंट ऐड है पहले से। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपका पास पेटीएम ऐप्स रहना पड़ेगा, तो नहीं है तो प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स है, देख सकते हो। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, जब भी ओपन करता हूँ ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे लॉग मतलब यहाँ पे आइकन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आइकन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इंटरफेस आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे नंबर मांग रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर मेरा टाइप कर दिया, यहाँ पे पोस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया, आपको वही नंबर करना है जो बैंक में ऐड है, लिंक है। तो यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिक मतलब शो कर दिया। जैसे कि यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगो में क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे ईपीआई पेटीएम सेटिंग, जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा दो दो अकाउंट ऐड है पहले से। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे ऐड अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे करने के बाद थोड़ा देर टाइम लगेगा, जैसे कि एक एसएमएस आ गया। अब तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐड अकाउंट जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो जितना सारे बैंक है यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा पंजाब है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा पंजाब लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा पंजाब लॉगिन ऑलरेडी है, फिर भी इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी यहाँ से आपका पिन नहीं है तो यहाँ पे आप पिन बनाना चाहते हो तो पिन ज़रूर बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाले में कर देना है, जैसे कि यहाँ पे नीचे ओके कर देना है। अब यहाँ से जो एटीएम कार्ड है आपका, इसका 6 लास्ट जो नंबर है इस पर टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे 3 जैसे कि टाइप कर दिया। आप यहाँ से वो भी एग्जिट डेट डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पोस्ट कर देना है। अब यहाँ से ऑटोमेटिक एक कोड आएगा तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें ओके कर देना है। अब यहाँ से कुछ यहाँ से पिन मार देना है, जैसे कि यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट डिस मतलब ईपीआई पिन, अब पिन बनाना है इसको, आप याद रखना है। यहाँ पे दो बार मांग रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल लगा दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो फाइनली वो पिन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, चेक करना है जैसे कि बैलेंस में हो ही पिन डालता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो मतलब ऐड हो गया, उसका पिन भी बना लिया। तो यहाँ से बैक कर देना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते ही रहेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।